डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके साथ साथ दोस्तों हम असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर के बारे में बात करने वाले हैं और वायरस और उसके टाइप के बारे में भी आज हम बात करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमिजिनेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन फिजिकली उसको हम टच नहीं कर सकते, और सॉफ्टवेयर किसी भी काम को आसान बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़र की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। आज आप देख सकते हैं कि फ़ोटो एडिट करने के लिए फ़ोटोशॉप है और टाइपिंग करने के लिए हमारे पास एमएस वर्ड है, काफ़ी तरह की चीज़ें दोस्तों, हर तरह की यूज़, हर तरह के काम के लिए हर तरह का सॉफ्टवेयर हमारे पास आज उपलब्ध है। दूसरी तरीके से हम देखें तो आज सॉफ्टवेयर के रूप में हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, देश जहान की एप्लीकेशन है, जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसी का हमारे पास सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन मिल जाएगी। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, ये मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है नंबर एक पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर दो पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर तीन पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीनों के बारे में हम आसानी से बात करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। नंबर एक पे आता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को कंट्रोल करे, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल पाते हैं या उस पर काम कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सरल उदाहरण हम आपको बताते हैं, इसका ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपको विंडोज़, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो विंडो है वो हमारी क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी कि उसी के द्वारा हमारा कंप्यूटर चलेगा। अगर वो नहीं होगी, विंडो नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप यही से समझ सकते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाए, जो हमारे पूरे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के काफ़ी उदाहरण हो सकते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर एक पे आता है दोस्तों हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए ऑपरेटिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे किसी काम को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी अन्य हार्डवेयर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि प्रिंटर है, प्रिंटर से हमें प्रिंट निकालना है तो जब हम उसको केबल से जोड़ेंगे उसके बाद हम उसमें ड्राइवर भी डालते हैं। आपको ध्यान होगा प्रिंटर से प्रिंट निकालने के लिए उसको कनेक्ट करते तो हमें ड्राइवर डालना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए हमें ड्राइवर डालने पड़ते हैं। अगर हम माउस कनेक्ट करेंगे तो भी वो शुरू में अपने आप एक ड्राइवर डलता है, वो इंस्टॉल होता है। तो काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ड्राइवर हमें डालने पड़ सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे, यानी कि वो हमारे हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा है और जो क्या है कि हार्डवेयर और यूज़र दोनों के बीच में पुल का कार्य करता है, ये है हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा।
दोस्तों आगे हम बात करते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। इनमें से दोस्तों पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं तो अच्छे से समझना ही है। देखिए असेंबलर क्या होता है, कंप्यूटर असेंबल भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को नहीं समझ पाता। वो किसको समझता है, वो बाइनरी संकेतों को समझता है, जीरो और वन की भाषा को समझता है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, असेंबल भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को हम मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भाषा अनुवादक असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं वो क्या कहलाता है, असेंबलर कहलाता है। ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं पहले, दोबारा फिर आ सकती है। देखिए जो असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करे उसे हम क्या कहेंगे, असेंबलर कहेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रख ली। अब आगे मैं बताता हूं कंपाइलर की बात करते हैं। अब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए दो तरह की भाषाएं होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करे या ट्रांसलेट करे उसको हम क्या कहेंगे, कंपाइलर कहेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, कंपाइलर हम किसको कहेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे उसको हम क्या कहेंगे, कंपाइलर कहेंगे। और असेंबलर की बात करें तो असेंबलर क्या होता है, असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करे उसको हम क्या कहेंगे, असेंबलर कहेंगे। और कंपाइलर में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और उच्च स्तरीय प्रोग्राम को सोर्स कोड भी कहा जाता है। कंपाइलर को सोर्स कोड को मशीनी कोड या कंपाइलर कोड में अनुवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आगे नंबर तीन पे हम बात करते हैं दोस्तों इंटरप्रेटर की बात करते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है, देखिए इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह उच्च स्तरीय भाषा का मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है। उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे C++ जावा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। इंटरप्रेटर सोर्स कोड की पहली लाइन का अनुवाद करता है, यदि पहली लाइन में कोई गलती होती है तो उसे दर्शाता है यानी एरर देता है। जब तक वह पूरी लाइन पूरी तरह से संशोधित नहीं हो जाती या ठीक नहीं हो जाती तब तक आगे नहीं बढ़ा जाता। अब देखिए इसके अंदर ये जो हमारा कंपाइलर है और हमारा इंटरप्रेटर है इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। नंबर एक तो ये दोस्तों जो इंटरप्रेटर है वो कंपाइलर की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन यहां पे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं, एक एक लाइन को चेक करते हैं। अगर पहली लाइन के अंदर कोई एरर पाया जाता है, कोई भी एरर होता है, तो उस एरर को पूरी तरह से संशोधित यानी कि मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई करने के बाद में उसको ठीक करने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरप्रेटर कहेंगे, ये चीज आप ध्यान में रखना। और आगे बात आती है दोस्तों हमारा जो अगला सॉफ्टवेयर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की थी, अब आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित तो मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। देखिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जैसे स्कूल के अंदर जाएंगे तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए अलग होगा, जिम के अंदर जाएंगे तो जिम में जो स्टूडेंट आ रहे हैं जो अलग अलग प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर अलग होगा। तो हर जगह पर अगर हम किसी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर अलग हो सकता है, तो उनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। देखिए यूज़र की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर ही इस तरह के सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। इनमें कुछ तो फ्री में उपलब्ध होते हैं तथा कुछ के लिए हमें चार्ज देने पड़ते हैं। और आपने काफ़ी देखे होंगे जैसे OBS स्टूडियो है जिससे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काफ़ी आप उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे फोटोशॉप है, फोटोशॉप यानी कि फ़ोटो को मॉडिफाई करने के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेज मेकर डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, पावर पॉइंट स्लाइड वगैरह बनाने के लिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, इन सभी के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस और रिपेयरिंग करने के लिए किया जाता है। साथ में यह ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर
कुछ हार्डवेयर की सर्विस करने का काम भी करते हैं। ये देखिए, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, उनको सही तरीके से चलाने के लिए, उनकी सर्विस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम बात करें एंटीवायरस की, हम बात करें एंटीवायरस क्या होता है कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो एंटीवायरस के ज़रिए उसको हम ठीक कर सकते हैं। और जैसे हम डिस्क क्लीनर की बात करें, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सी जंक फाइल है, तो इसका डिस्क क्लीनर का यूज़ करके हम काफ़ी स्पेस खाली कर सकते हैं। पासवर्ड जनरेटर, फाइल बैकअप, हमें अपने कंप्यूटर का बैकअप लेना है तो फाइल बैकअप का यूज़ करके हम पूरा बैकअप ले सकते हैं। यानी कि ये हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको और बेहतर तरीके से चलाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक बार फिर से मैं ये चीज़ें आपको बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हो, सबसे ज़रूरी हो, जैसे कि हम विंडो की बात करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपनी ज़रूरतों के अनुसार, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर की सर्विस के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। और हार्डवेयर के अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें आती है, जैसे कि हमारा प्रिंटर आ गया, हमारा माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, पेन ड्राइव होगी, तो काफ़ी तरह की चीज़ें हमारी हार्डवेयर के अंदर आ सकती हैं। और एक और चीज़ रहेगी दोस्तों इसके अंदर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सके, जिनको हम फ्री में यूज़ कर सके, उसको हम क्या कहेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। इनमें से ये देखिए जून 2015 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किए जाते हैं, जिसे उपयोगकर्ता द्वारा पढ़ा या संशोधित किया जा सकता है। इसका सोर्स कोड इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध होता है। वही चीज़ है दोस्तों, इनको हम बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इनको हम अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। ये चीज़ होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से दोस्तों क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो आप ये अच्छे से कर लेना दोस्तों। यही सारी चीज़ है दोस्तों, जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में कोई भी सुधार कर सकता है, यानी कि उसको हम अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे GNU लिनक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया। VLC मीडिया प्लेयर बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ये आपने यूज़ किया होगा। और सुगर CRM हो गया, GIMP, ये हमारा उसके लिए होता है, पिक्चर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो आप ये सभी देख लेना दोस्तों ये एग्जांपल। और अब हम बात करते हैं दोस्तों एंटीवायरस की बात करते हैं। एंटीवायरस में से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और अब भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये हम अभी ऊपर पढ़ गए हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए यूज़ किए जाएँ। तो एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में छुपे हुए सारे वायरस प्रोग्राम को ढूंढ कर रिमूव करने का काम करता है। यह भी कह सकते हैं कि एंटीवायरस कंप्यूटर के लिए सेफ गार्ड जैसे काम करता है, वो हमें हमारे कंप्यूटर को सेफ करने का काम करता है। और ये क्या करता है, जैसे मालवेयर हो गया, वर्म्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, इन सभी से हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को बचा के रखता है, और अगर ये आ जाते तो इनको बाहर निकालने का काम करता है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों वायरस क्या होता है। देखिए, वायरस का पूरा नाम विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान में रखने लगा दोस्तों, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर देते हैं। और अब हमारी इच्छा के हमारी हमारी इच्छा नहीं होती, फिर भी ये कंप्यूटर में घुस जाते हैं और हमारे हमारी चीज़ों को मॉडिफाई करके उनको ख़राब कर देते हैं। यह तभी फैलता है जब यूज़र ने किसी माध्यम से इसे प्रेषित करने की अनुमति दी हो, जैसे कि किसी भी तरह की रिमूवेबल डिवाइस अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तो उससे हमारा कंप्यूटर क्या है, इन्फेक्टेड हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जैसे कि वायरस के प्रकार कितने तरह के होते हैं। नंबर एक पे है दोस्तों रेजिडेंट वायरस,
ये देखिए, रेजिडेंट वायरस जिसे परमानेंट वायरस भी कहा जाता है, आपके कंप्यूटर की सिस्टम मेमोरी रैम से ये जुड़ा हुआ होता है। जब भी आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो ये वायरस उस समय खुली हुई सभी फाइलों को संक्रमित कर सकता है, उनको खराब कर सकता है। तो ये देख लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं ओवरराइट वायरस। यह वायरस जैसे ही फाइल को संक्रमित करता है, यह फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करके उन्हें बेकार कर देता है। इस प्रकार का वायरस संक्रमित फाइल की जानकारी डिलीट करता है। इस वायरस को हटाने के लिए सभी संक्रमित फाइल को डिलीट करना ज़रूरी होता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये किस तरह का वायरस होता है दोस्तों? इस तरह के वायरस में फाइल को चलाते ही यह वायरस एक्टिव हो जाता है। किसी फाइल के पास वायरस है, अगर उसको हम ओपन करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। यह वायरस उन फाइलों को इन्फेक्टेड करता है जो फाइल ऑटो exe.bat के फोल्डर में होती है। एक फोल्डर बन जाता है वायरस का, उसके अंदर जितनी भी फाइल होते हैं उन सभी को इन्फेक्टेड कर देता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मैक्रो वायरस। यह उन फाइलों को संक्रमित करता है जो फाइल किसी विशिष्ट एप्लीकेशन या प्रोग्राम से बनाई जाती है, जैसे मैक्रो हो। यह डॉक्स .xl.pps जैसी फाइलों को संक्रमित करता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है दोस्तों? यह वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। बूट सेक्टर यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको ये इन्फेक्टेड करता है। जैसे कि हम प्रिंटर लगाते हैं या फिर कीबोर्ड लगाते हैं तो उस सिस्टम को ये प्रभावित करता है। यह हार्ड आगे हम बात करते हैं दोस्तों फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह वायरस कंप्यूटर की डायरेक्टरी को संक्रमित करता है, फाइल के स्थान को सूचित करने वाले मार्ग को बदल देता है। यानी कि ये क्या करता है दोस्तों, ये जो पाथ जो होता है, एड्रेस जो होता है, उसको ये इन्फेक्टेड कर देता है। हमारी फाइल की लोकेशन होती है उसको ये चेंज कर देता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह वायरस जितनी बार सिस्टम को संक्रमित करता है उतनी बार खुद को इनक्रिप्टेड करता है, यानी कि खुद की संख्या बढ़ा लेता है। जितनी बार यह संक्रमित करेगा उतनी बार ये अपनी संख्या को उसमें बढ़ाता जाएगा। आज बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 पे वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। बहुत सी वेबसाइट के अंदर दोस्तों वेबसाइट को दिलचस्प बनाने के लिए उसके अंदर बहुत ही जटिल कोड का यूज़ किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस कहते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास FAT वायरस। इस वायरस को फाइल के स्थान के बारे में सभी जानकारी को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये वायरस किसके काम आता है दोस्तों? हमारे कंप्यूटर के अंदर जो जो फाइलें हैं उन सभी की जानकारी लेने के लिए इस वायरस का उपयोग किया जाता है। ये नंबर 10 पे हम बात करते हैं दोस्तों मल्टीपर्टाइट वायरस। जैसा नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये हमारे कंप्यूटर को मल्टीपल यानी कि अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय में हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्टेड करता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारे बूट सेक्टर है उसको भी खराब कर सकता है, हमारी फाइल्स है उसको भी खराब कर सकता है। यानी कि बहुत तरीके से अलग अलग समय में बहुत तेज़ी से हमारे कंप्यूटर को ये खराब कर सकता है। पहला मल्टीपर्टाइट वायरस घोस्ट वॉल वायरस था। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वर्म्स की बात करते हैं। वर्म्स क्या होता है? वर्म्स की परिभाषा की बात करें तो वर्म्स स्वयं प्रकृति फाइल है जो एक संक्रमित कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं। यह एक वायरस के समान है, यह वायरस का उपवर्ग है। ये एक क्या है दोस्तों, ये वायरस की एक सब कैटेगरी है। ईमेल नेटवर्क आदि के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलते हैं। वर्म्स उपयोगकर्ता के ईमेल एड्रेस बुक का उपयोग करके खुद को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, ईमेल के जरिए या फिर हम वेबसाइट वगैरह चलाते हैं उनके जरिए हमारे कंप्यूटर में ये घुस जाते हैं। यानी कि पहले क्या थे दोस्तों, वो किसी और के कंप्यूटर में थे, किसी और ने हमें मेल भेजी, ईमेल भेजी, उसको हमने डाउनलोड किया तो वो क्या है, हमारे कंप्यूटर के अंदर आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्म्स कहेंगे। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों मैलवेयर वायरस। मैलवेयर क्या होता है? एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए मालवेयर को बनाया जाता है ताकि वह हमारे या किसी स्पेसिफिक यूज़र के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए। इससे और भी कई मकसद हो सकते हैं, जैसे आपका डेटा चुराना, आपका पासवर्ड चुराना, आपके कंप्यूटर के डेटा को मिटाना या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना। ये देखिए मालवेयर क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे कंप्यूटर में घुस के हमारे कंप्यूटर में जो भी बैंक की इंफॉर्मेशन है, जो ATM की इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी ये चुरा लेता है और उससे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। और
आगे हम बात करते हैं दोस्तों मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में कई तरीके से आ सकते हैं। और ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे कंप्यूटर में अपने आप नहीं बनते, ये हैकर द्वारा बनाए जाते हैं, स्पेशल डिज़ाइन किए जाते हैं। और ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही हम कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं बैड सॉफ्टवेयर होते हैं, खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आपके कंप्यूटर में कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे या तो आप उन्हें खुद गलती से डाउनलोड कर लें, या फिर स्पैम ईमेल के जरिए ये हमारे कंप्यूटर में आ जाएंगे। ये देखिए इसका जरिया क्या होता है, मेन जरिया इसका ये होता है कि जैसे हमें फ्री में मूवी डाउनलोड करनी है, या फिर कोई पेड हमारा सॉफ्टवेयर है बहुत महंगा मिल रहा है, और कोई वेबसाइट कह रही है भाई आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो फ्री के चक्कर में हम गलत वेबसाइट पे चले जाते हैं, और वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के चक्कर में हम ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, ये वायरस डाउनलोड कर लेते हैं, इससे हमारे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये भी दोस्तों कई तरह के हो सकते हैं, जैसे वायरस मैलवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर, काफ़ी तरह के हो सकते हैं दोस्तों। और दिन ब दिन नए 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 वॉर्म्स निकलते हुए आ रहे हैं, तो ये सभी हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं दोस्तों। आप पर्सनली, मैं बता रहा हूँ आपको, आप बच के रहना, आप लालच में किसी वेबसाइट पे जाके इस तरह का काम मत करना, क्योंकि आपका कंप्यूटर का पूरा डेटा ख़त्म हो सकता है। इन चीज़ों से आप बच के रहना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमीजी नेट है तो जीआरएफ है।